सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। लोग हलीमा को मशवरा देते हो, हलीमा तू फजूल खर्ची करने पे बहुत ज्यादा आमादा है। हलीमा ने कहा क्यों? कहा बहुत मालदार हो गई तू, बहुत मालदार हो गई, क्या तू फजूल खर्ची करने लगी? हमने तो तेरी गुर्बत के दिन देखे, तुझे रोटी के टुकड़े टुकड़े को परेशान देखा, आज तू फजूल खर्ची करने लगी। हलीमा ने कहा कौन सी फजूल खर्ची? अहले जाहिर को यही लगता है फजूल खर्ची, उनको भी लग रहा था फजूल खर्ची, लेकिन फजूल खर्ची। हलीमा ने पूछा क्या? तो लोगों ने कहा रात को चिराग बुझा दिया कर, रात को चिराग बुझाएगी तो दूसरे दिन वो तेल काम आएगा, चिराग बुझा के सोया कर, तेरी झोपड़ी से रोशनी निकलती नजर आती है, रात भर बुझा दिया कर चिराग। हलीमा ने कहा वल्ला जिस दिन से आमिना का तुर्रे यतीम लाई हो उस दिन से कभी चिराग नहीं जलाया, जो रोशनी है उसी तुर्रे यतीम की होगी। फजूल खर्ची के जब बेटे की शादी पे मंडप लगाना फजूल खर्ची नहीं मानता तो मिलाद मुस्तफा पर लाइटिंग लगाना कौन सी फजूल खर्ची? इलेक्शन के मौके पे झंडा लगाने पे कोई फतवा नहीं तो मिलाद मुस्तफा के मौके पे झंडा लगाने में कौन सा फतवा है? ये तो नसीब नसीब की बात है, किसी के घर पे मुशरिकीन की पार्टियों के झंडे हैं और किसी के घर पे आमिना के लाल का झंडा। लोग कहते हैं क्यों लगाया झंडा? हमने कहा झंडा बताता है कौन है कहाँ का। एक गली से गुजरे तो देखा कि किसी के घर के ऊपर जो लहरा रहा है वो भगवा कलर का और उस पर कुछ बना हुआ है, कहने की जरूरत नहीं पड़ी समझ में आ गया कौन है, बताना नहीं पड़ा, आदमी समझ गया जिसका झंडा है उसी की पार्टी का है ना, यही है ना। किसी के घर पे आपके पड़ोस में एक शहर है उसका झंडा है, मुसलमानों की है लेकिन देखा दुखा उसकी पार्टी है ना, लेकिन किसी के घर पे या रसूल अल्लाह का झंडा दे। झंडे पार्टियां बताते मेरे भाई। लोग कहते हैं ये झंडों का दिन से क्या ताल्लुक? मैंने कहा रसूल अल्लाह से पूछो झंडों का दिन से क्या ताल्लुक, हुजूर फरमाते कयामत का दिन होगा, कयामत के दिन में मेरे हाथ में झंडा होगा। दिन में झंडे से क्या ताल्लुक, उठा कर देखो हदीस मिश्कात उठा करके देखो, आका फरमाते हैं मिश्कात को तो तुम भी मानते हो, आका फरमाते मेरे हाथ में झंडा होगा, कौन सा झंडा? लिवाउल हम्द, कौन सा झंडा? लिवाउल हम्द, लिवा का मतलब झंडा, हम्द का मतलब तारीफ, फरमाते मेरे हाथ में झंडा होगा तारीफ का। और नसीमुर रियाज में है जिसमें लिखा हुआ है मेरे आका फरमाते हैं ये भी शान मुस्तफा जाने रहमत है मेरे हाथ में लिबाउल हम्द होगा और अल्लाह अपनी कुर्सी पर मुझे बिठाएगा। जो नबी को अपनी तरह कहते हुए जरा समझ तो ले, अल्लाह अपनी कुर्सी पर जैसा कि उसकी शान है मुझे बिठाए, साहिब नसीमुर रियाज मुझे बिठाएगा। मेरे इमाम ने भी इसको खालिसुल एतिकाद में लिखा, अल्लाह अपनी कुर्सी पर हुजूर फरमाते मुझे बिठाएगा। यहां पहुंचकर मैं सोचता अल्लाह सबको सलामत रखे, ऐसे बाज़ोक लोग मिले तो फिर रात भर भी बोला जा सके। माशाल्लाह आप कह रहे चाय हटाओ, मैंने कहा इश्क वाले तो कहेंगे कि कौसर की जानिब हम नहीं तक, ये तो चाय कौसर की जानिब, मौलाना सैयद इजाज कामती भी माली जमात के बड़े आशिक रसूल आलिम थे, वो कहते हैं कौसर की जानिब हम नहीं तक बई हम ही देहो नैनन का जाम। प्यारे नबी,
और मेरे इमाम कहते हैं शरबत न दे, न दे शरबत, न दे न दे तो करे बात लुत्फ से, शरबत न दे न दे तो करे बात लुत्फ से, ये शहद हो तो फिरकी से परवा शकर की।